वेलकम बैक टू एम बी बी एस मेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टासिस को विल सी वट इज हीमोस्टास इट्स डेफिनेशन वट आर दोर मेजर इवेंट्स ऑफ हीमोस्टासिस एंड हाउ डज दिस प्रोसेस फंक्शन सो लेट्स स्टार्ट सो वट इज लेट्स सी फ्रॉम द नेम विद इन इट सेल्फ हीमो यहाँ पे डिनोट करता है ब्लड एंड स्टैसिस का मतलब होता है स्टॉप सो द मीनिंग ऑफ हिमोस्टास इज द स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो कैसा ब्लड फ्लो वो उसकी डिटेल हम देखते हैं सो इट इज द स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ ये यह है कि इमीजिएटली स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग इन अ स्मॉल वैस्कुलर स्मॉल वैस्कुलर होल बाई फिजोलॉजिकल प्रोसेस यानी कोई भी स्मॉल कोई भी ब्लड वैसेल है उसमें कोई रप्चर हुआ कोई होल हुआ तो उसमें फिजोलॉजिकल प्रोसेस से बॉडी में एजेंट्स जाते हैं इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं कि जिससे उस होल को बंद किया जा सके ताकि ब्लड लॉस ना हो सो दैट इज हीमोस्टासिस, विच इज स्पॉन्टेनियस ऑफ़ ब्लीडिंग इन अ स्मॉल वैस्कुलर होल बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज हीमोस्टासिस, या ब्लड फ्लो का रुकना अनवॉन्टेड ब्लड फ्लो का रुकवाना रुकना दे बेसिकली फोर मेजर इवेंट दैट दैट टेक प्लेस इन इट नंबर वन इज वैस्कुलर स्पेजम या जिसको विजो कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं नंबर सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग नंबर थर्ड इज ब्लड को एगुलेशन नंबर फोर्थ इज फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन या रिजोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लॉट अब ये जो चार हैडिंग्स हैं इनको हम एक एक करके वन बाई वन देखते हैं सो नंबर वन इज वैस्कुलर स्पेजम तो वेस्कुलर में क्या होता है बेसिकली आफ्टर एक ब्लड वेसल जो है वंस उसमें कोई इंजरी हुई कोई होल हुआ उसके बाद ऑटोमेटिकली गेट्स कंस्ट्रक्टेड अब कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है जब हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर देंगे उसको दबा देंगे तो उसके अंदर से ब्लड या किसी फ्लूड का फ्लो कम हो जाएगा तो इस वजह से ये होता है इसीलिए वेजो कंस्ट्रक्शन होता है अगर वेजो डायलेशन होगा तो फिर ब्लड फ्लो और ज़्यादा होगा क्योंकि उसका ल्यूमिन जो है उसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो वीजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है ल्यूमिन ऑफ ब्लड वेसल को कम किया जा सके ताकि ब्लड लॉस मिनिमाइज हो जाए इट रिड्यूस ब्लड फ्लो टू साइट ऑफ इंजरी एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस अब क्वेश्चन ये है कि होता कैसे है सो देर आर मेजरली थ्री फैक्टर्स एक तो नर्वस रिफ्लेक्स है पेन सेंसेशन की वजह से पेन पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल करते हैं देन मायोजेनिक स्पाजम की वजह से होता है जैसे सीरोटॉनिन है न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर सीरोटोनिन थ्रम्बोक्सिन ए टू ये प्लेटलेट से रिलीज करते हैं देन ह्यूमोरल फैक्टर जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ब्लड से रिलीज होते हैं तो ये ट्रोमेटाइज टिश्यू से रिलीज़ होंगे और प्लेटलेट से रिलीज होंगे तो इनकी वजह से जो मेजर इवेंट होगा वो होगा वीजो कंस्ट्रक्शन दैट इज द फर्स्ट स्टेप नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इसमें तीन मेजर स्टेप्स होंगे नंबर वन इज प्लेटलेट एडिजन नंबर सेकेंड इज प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड नंबर थर्ड इज प्लेटलेट एग्रीगेशन इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी बट uh, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझ लें कि वेसल uh, वॉल में वो हुआ रप्चर हुआ उसमें प्लेटलेट्स जो हैं दो प्लेटलेट्स उसकी वजह से आपस में जुड़े वंस रिसेप्टर साइट्स होती हैं दोनों प्लेटलेट्स पर और जब एक दूसरे की uh, दो रिसेप्टर साइट पे प्लेटलेट्स टच हुए वहाँ कैल्शियम आइन्स जाते हैं उनकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वंस एक्टिवेटेड वो नेबरिंग प्लेटलेट्स को भी सिग्नल करते हैं एंड दिस फॉर्म्स आ प्लग uh, कह सकते हैं एक एग्रीगेशन uh, कह सकते हैं विच देन गोज टू द साइट ऑफ वेस्कुलर वॉल ओपनिंग जहाँ ब्रीच ऑफ वॉल हुई है यहाँ जहाँ होल हुआ है वहाँ जाके ये लग जाता है तो ये एक टाइप का कवरिंग बना लेता है तो दैट वॉज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग नाउ इज ब्लड क्वाकुलेशन नंबर थर्ड स्टेप ब्लड क्वैकुलेशन पर भी एक डिटेल वीडियो आएगी वी एल यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक फैक्टर्स इज अ वेरी इलेबोरेट प्रोसेस फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि क्या होगा प्रोथ्रामबिन एक्टिवेटर बनेगा प्रोथोमिन एक्टिवेटर या इंटेंसिक पैथरी से बन सकता है या एक्सटेंसिक पैथ् से बन सकता है फिर प्रोथ्रामबिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रामबिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट करेगा थ्रामबिन में करेगा अब थ्राम्बिन क्या करेगा थ्रामबिन कन्वर्ट्स फाइब्रीनोजिन इनटू फाइब्रिन क्योंकि फाइब्रीनोजिन जो है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फाइब्रीनोजिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है और ये जो है ब्लड में सॉल्युबल है इसको करेगा फाइब्रिन में कन्वर्ट इन्सॉल्यूबल फाइब्रिन क्योंकि जो सोल्यूबल है तो वो ब्लड में ही रहेगा कुछ फंक्शन नहीं करेगा तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इन सोल्यूबल फाइब्रीनोजिन टू इनसॉल्यूबल फाइब्रीन और फिर इनसॉल्यूबल फाइब्रिन जो है वो जाके क्लॉट बनाता है प्लेटलेट प्लग में मदद करता है नाउ दिस वॉज दी ये सारे स्टेप्स तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप तो इमीजिएटली होंगे अब उसके बाद ये बात का स्टेप है रिजोल्यूशन ऑफ क्लॉट फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लॉट क्लॉट बन गया अब उसके बाद क्या करना है क्लॉट बढ़ गया ब्लड फ्लो रुक गया अब ये डिटरमाइनिंग स्टेप है कि उसकी आगे की फेट क्या होगी अगर तो स्मॉल क्लॉट हुआ छोटा सा क्लॉट uh, हुआ तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट चले जाएंगे वहाँ पर फाइब्रो फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा और होल बंद हो जाएगा या अगर इन केस देर इज़ अ लार्ज क्लॉट वहाँ लार्ज क्लॉट है तो इट डिजॉल्वस क्लॉट रिट्रैक्शन होगा रिट्रैक्शन होगा मायोपिथेलियल uh, सेल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा कि जिससे जो एक्सेस उसके अंदर की फ्लूइड्स हैं उस क्वीज़ आउट कर जाएंगे और क्लॉट खत्म हो जाएगा ये वहाँ पर होता है जहाँ पर uh, उन क्लॉट्स के लिए हैं जो वहाँ फॉर्म होते हैं जहाँ दे आर नॉट नीडेड तो उस उनके केस में ये होगा दिज सेपरेट प्रोसेस नोन एज क्लॉट रिट्रैक्शन वो यहाँ इस प्रोसेस में होता है सो दैट द फोर बेसिक प्रोसेस ट आर इन्वॉल्व इन हीमोस्टासिस। सो ये वीडियो एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वीडियो से ज्यादा एक प्रमोशनल वीडियो कह सकते हैं आप हीमोस्टासिस के बारे में <coughs> so, इस वीडियो में हमने ब्रीफली देखा कि हीमोस्टाइसिस क्या है इसमें हीमोस्टास के जो फोर मेजर पार्ट्स हैं उनका उनके सिर्फ नाम देखे अब इंडिविजुअली कर कर एक एक कर कर हम एक एक स्टेप को देखेंगे एक एक हेडिंग में कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से है सो द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो वॉज टू गिव इन ओवर व्यू ओवर व्यू ऑफ हिमोस्टाज यू नाउ इंडिविजुअली वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप सो दैट्स इट फॉर टूडे होप यू अंडरस्टूड द टुडे इज ओवर व्यू इन केस दज एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आसकस इन द कॉमेंट सेक्शन दैट्स ऑल फॉर टुडे गुड बाय एंड स्टे टू एम बी बी एसमेंट